है उसको लाभार्थी जरूर बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और व्यापारी के नेताओं को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कुशल योजना है मोहम्मदाबाद का ये इलाका बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र होता था पूर्वी उत्तर प्रदेश, लेकिन पैसे और पिस्तौल के अब ये भय भय ने यहाँ के मोहम्मदाबाद के व्यापारी स्थान को बर्बाद करके निकल कर दिया। लेकिन यहाँ व्यापारी भाइयों से मैं भरोसा दिलाता हूँ कि पैसे और पिस्तौल के आतंक के ताकत पर यहाँ राज करने वाले लोगों के जमाने अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। जो पैसे और पिस्तौल के ताकत पर लोगों को भयभीत करते थे, हत्या करते थे, वो अपने जीव का ठीक रहा। इसलिए हम लोग संसद में बैठते हैं तो बहुत हैरानी होती है रावत जी, जब व्यापारियों के विपरीत तरह की बातें कही जाती। मेरे समझ से वही लोग हैं जो आजादी के लड़ाई के बाद जब गांधी जी के साथ एक तरफ चमनलाल बाजार बैठते थे और एक तरफ घनश्याम दास बिरला बैठते थे, तो लोग कहते थे कि ये बापू मोहनदास करमचंद गांधी बिरला और बाजार का आदमी। उसी समय कलकत्ता के बंगाल के सड़कों पर निकलकर घनश्याम दास बिरला ने जुलूस निकाला लोगों के साथ, कहा कि हर किसी से पूछ लो बिरला हमारा नाम है और गाजीपुर बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने जूट के कारखानों में कागज के कारखानों में नौकरी देकर रोजगार देकर ये बता दिया कि व्यापारी केवल व्यापार ही नहीं करते हैं, देश को रोजगार भी देते हैं, देश की समृद्धि को भी बढ़ाते हैं। अंबानी और अदानी एक दिन में नहीं पैदा। हम लोग किसान हैं, इस बात को जानते हैं। किसान का फसल का पैदावार खरीदने वाला कौन होता? अगर व्यापारी नहीं खरीदेगा, व्यापारी के जेब में पैसे नहीं होंगे तो कौन खरीदेगा? और छोटा व्यापारी से लेकर बड़ा व्यापारी जिसके देश के समृद्धि में योगदान रहा है, चाहे जमनलाल बजाज हो, चाहे घनश्याम दास बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अदानी हो, तो सब लोगों ने इस देश के विकास के लिए काम किया है। मैं इसको प्रमाणित करके साथ संसद में भी कहा हूं और आपके भी संसद में इस बात को कह रहा हूं। जो लोग अदानी और अंबानी और बजाज और बिरला के बात करते हैं, उन लोगों को भी जानना चाहिए कि उन्हीं लोगों के सहारे पर उन लोगों के बात ज्यादा चलते हैं। इसलिए जो कानून तोड़ता है, कानून उसके खिलाफ कानून जरूर करे, लेकिन हर कानून नहीं तोड़ने वाले व्यवसायियों को, व्यापारियों के विरोध में बात करने वाले लोग एक अभ्यास बना लिए हैं कि व्यापारियों के विरोध में बात करेंगे तो देश के गरीबों का भरोसा पैदा होगा, देश के गरीबों को रोजगार देना, देश के गरीबों को गरीबी को मिटाने का काम यदि करता है तो व्यवसायिक क्षेत्र आज भी सबसे ज्यादा करता है। सवाल यही था जब आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी थी, हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके उद्योग मंत्री होते थे। जब उद्योग नीति बन रही थी तो उस समय के कुछ कम्युनिस्ट वामपंथी विचार के लोगों ने यहाँ के देश के व्यवसायियों के विरोध में उद्योग नीति में बदलाव करने के लिए हस्तक्षेप किया और जवाहरलाल नेहरू ने निर्देशित किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर ये बताया, ये सरकार आजादी के बाद जो बनी है राष्ट्रवादी सरकार नहीं है, हम राष्ट्रवादी पार्टी बनाएंगे और वही पार्टी देश के भारत के भविष्य को बनाएगी और वही पार्टी जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी बनेगी। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को संचालन करने वाले उनके मन पर जो लोग अपना शासन चलाते थे वो लोग कहीं नहीं दिखते। यहाँ फाटक में दरबार लगता था और फाटक में तो दूसरे जगह दरबार था,
पहुंचाने के लिए दरबार पर, ये आकर फाटक वाले खत्म हो जाएंगे और मैं कह सकता हूं कि पैसे और पिस्तौल के ताकत पर आतंक फैलाने वाले लोगों के जमाने लग गए हैं, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। और भविष्य में भी अगर इस तरह के कदम बढ़े तो मैं उनको बता रहा हूँ, आने वाला समय कानून का शासन आज भी है, कल भी रहेगा और भविष्य में भी रहेगा। आप लोगों से मात्र मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार फिर से बना देना, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत का निर्माण होगा, वही भारत भारतवर्ष होगा, आत्मनिर्भर भारत।